सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हम 10 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं ये एडमिशन प्रोसेस के लिए। बट ऐसे पूरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, 10 दिन से प्रोसेस चल रहा है और जो है सिस्टम पर एक बंदा बैठा है और उसका जो काम करने का तरीका है वो भी कुछ इतना स्लो है कि एक स्टूडेंट कम से कम आधे घंटे में फारिग हो जाता है। स्टूडेंट सुबह आते हैं, सुबह 10 बजे कॉलेज आते हैं और 4 बजे बिना फार्म भरे हुए घर वापस चले जाते हैं। काफ़ी परेशान चल रहा है 5th-6th सेम का। इसके सिलसिले में कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारा ये रिसिप्ट नहीं निकल रहा है। दरअसल बात यह है कि इसमें बच्चों को जो ऑप्ट करने हैं अपने वो सब्जेक्ट, उसमें हमें वो टैली करना होता है जो हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है अवेलेबल। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कभी कभार वेरिएशन आती है और उस वजह से हमें बड़ी सीरियसली बड़ा कॉशियस होकर उनको देखना पड़ता है। लिहाजा इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड डेट भी किया है और इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें होती रहेंगी। ये हमने ऑलमोस्ट कोई 70% किया है इसका, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनमें वेरिएशन की वजह से वो हो रहा है कि उनका डाउनलोड नहीं हो रहा है रिसिप्ट। हमने इसके सिलसिले में अपना जो हमारा आईटी का सेक्शन है उसके लिए एक्टिवेट किया है। उसमें हमने 2-4 बंदे और रखे हैं जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और रात दिन वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े कॉलेजेस में होता है। छोटे कॉलेजेस में जहाँ पर बच्चे 200-300 होंगे उनमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहाँ पर 1500 के आसपास बच्चे होंगे उसमें तो टाइम लग ही जाएगा। लिहाजा मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दे विल कोऑपरेट अस। बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ कि वो कोऑपरेट करें। यूनिवर्सिटी ने इसमें ऑलरेडी एक्सटेंड किया है डेट, तो ऐसी कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीबडी विल बी एडमिटेड और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।